हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव का सेकंड चैप्टर, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर 2 में आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू डील विथ द एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स, और ये पूरा वीडियो आपके रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बेस्ड है एज पर योर रिड्यूस सिलेबस 2022। सो डो नॉट पैनिक अबाउट द सिलेबस। सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो आपके सिलेबस में, आपके जो फाइनल सिलेबस गाइडलाइन में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर लीडर है उस पार्टी के जो कि मेजॉरिटी पाता है लोकसभा में। ओके, जो मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में है इन पावर, उसके लीडर का नाम क्या है? उसके लीडर को वी कॉल प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो ये वाली जो डेफिनेशन है इसको प्लीज़ याद रखना, इट्स माई रिक्वेस्ट, बिकॉज क्वेश्चन आंसर में बहुत काम आएगा, आप देख लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट टू मेन पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इस लाइन से कि प्राइम मिनिस्टर का एक लाइन दे दो एंड देन हिज टू पावर्स आर। सो इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग, मतलब आपका जो आंसर है, वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, इट विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव, और चांसेस ये बढ़ जाएगी कि आपको मार्क्स मिले आसानी से, आप आसानी से मार्क्स उठा लोगे। ओके, सो दिस इज द वे वी यूज टू स्कोर मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट कि वो पाइवेट है या फिर मेन पिलर है, मेन मेन बेस है जिसपे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मशीनरी, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग प्रोसेस, प्रोसीजर, अलग अलग फंक्शनैलिटी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट। सो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स, तो आप सोच रहे होंगे कि आपके बुक में इतना लंबा लंबा पावर्स दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा, सो यहाँ पे हमने बस 5 पॉइंट क्यों करी है? बिकॉज ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये सारी आपकी शॉर्ट की हुई पॉइंट्स हैं, इसमें बस टू द पॉइंट मेंशन है, ताकि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो तो आप इसमें से कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट उठा कर लिख दो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो तो आपको इसमें इस तरीके से ये सारी पॉइंट्स फ्रेम की हुई है ताकि आप इसको रीड भी करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या तरीके से एलाबोरेट करनी है, और अगर आपको इसके बारे में पता होगा कि इसमें लिखना क्या है तो आप आसानी से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सो आप इन सारी पॉइंट्स को अपने कॉपी में, नोटबुक्स में नोट डाउन करना शुरू करो और टेक द स्क्रीनशॉट्स, अभी से ही नोट्स बनाना शुरू करो। ओके, सो वो लिंक है किसके बीच में? कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। लिंक इन द सेंस मतलब कि क्या है? लिंक मतलब क्या होता है? एक बीच में कनेक्शन, कनेक्शन इन द सेंस कि ज़रूर अगर कोई इंसान है उसके बीच में अगर कोई कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मीडिएटर, तो मीडिएटर का काम क्या है? यहाँ से इन्फॉर्मेशन वहाँ कन्वे करना, वहाँ से यहाँ। सो यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट का हर एक डिसीजन, हर एक कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट तक कौन पहुँचाता है, प्रेसिडेंट तक कौन पहुँचाता है? एंड द पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर। इसलिए वो लिंक की तरह एक्ट करते हैं कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। ओके, बिकॉज सारी मीटिंग्स में तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट रहता है, प्रेसिडेंट तो होते नहीं है, राइट? तो प्रेसिडेंट तक इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जाएगा? प्रेसिडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को और उन्हें पर्टिकुलर वर्क देते हैं, उनका जॉब देते हैं, बट यस, किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। और जो अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट होती है, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब उस मिनिस्ट्री में कौन मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर क्या बनेगा, ये इसके लिए प्राइम मिनिस्टर फ्री है इस चीज़ पे। यहाँ पे आपके बुक में भी मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन हो कि कौन इस काम को करेगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। एंड देन प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से ही समझ लो कि वो सारी कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे, वही मीटिंग के एजेंडा को डिसाइड करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर मीटिंग के एजेंडा को डिसाइड करेंगे, इसका मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अगर डिबेट हो रही है या कोई पर्टिकुलर चीज़ पे मिनिस्टर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो फाइनली उनका ओपिनियन को वोट पे रखी जाएगी और लास्ट में जो फैसला होगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। एंड दिस विल बी द मेन एजेंडा और द मेन कंक्लूजन ऑफ द पर्टिकुलर मीटिंग। नेक्स्ट, वो डायरेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की वर्किंग को या फिर उनकी फंक्शनैलिटी को। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक, फाइनेंस, बहुत सारी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके वर्किंग को कौन कोऑर्डिनेट करता है? द पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन का मतलब है कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन।
बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने ही सब कुछ करा है, राइट, वही सारे चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है. अगर वही नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हट जाएगी. इट्स लाइक इम्प्लाई करती है, प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन इम्प्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड वन मोर थिंग यहाँ पे, कि अगर प्राइम मिनिस्टर हट जाते हैं तो कोई बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मिनिस्टर नहीं कह सकता कि अभी भी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हूँ. प्राइम मिनिस्टर हटते हैं तो सारे मिनिस्टर्स हट जाते हैं. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन. तो पहली बात कि वो इंडिया को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज पूरा इंडिया तो उठ के नहीं जा सकता उन कॉन्फ्रेंसेस पे, उन पे मेन लीडर्स ही आते हैं. तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक स्पोक्स पर्सन है, राइट. वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे, इंडिया के बिहाफ पे वो अपनी ओपिनियन रखते हैं और वही इंडिया का फैसला होता है. पूरे इंडिया के तरफ से वो बोलते हैं, जैसे कि नॉन अलाइड नेशन का अगर कॉन्फ्रेंस हुआ, या फिर कॉमनवेल्थ के हेड का अगर कॉन्फ्रेंस हुआ, या फिर ब्रिक्स नेशन, ये सारी चीज़ों के अगर कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, इस चीज़ को याद रखना. और पूरा कंट्री उनके लिए, उनके तरफ देखता है हर मैटर पे, उनकी ओपिनियन जानना चाहता है. जैसे कि अभी COVID-19 का टाइम था, तो अलग अलग सिचुएशन, जैसे कि लॉकडाउन कब होना है, कहाँ कहाँ पे लॉकडाउन होना है, इन सारी चीज़ों के लिए हम न्यूज़ चैनल देखते थे. और हम किसका न्यूज़ सुनना चाहते थे? हम सुनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर का न्यूज़, क्योंकि हमें पता है कि वो जो न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, बिकॉज वही हैं जो वो सब कुछ कोऑर्डिनेट करने वाले हैं और हम उनसे लीडरशिप की उम्मीद रखते हैं. वो सारी उनके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, लेजिस्लेशन और फाइनेंस के मैटर्स में उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है. नाउ लेजिस्लेशन इन द सेंस की लॉ मेकिंग कुछ कुछ पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं उनके पास. सो वो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन और गवर्नमेंट का डिफेंडर है पार्लियामेंट में. दैट मीन्स अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आए तो वो मेंबर्स को सेव कर सकते हैं उस अनप्लेजेंट सिचुएशन से. ओके, और वो सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स सुनाते हैं हाउस में, जो भी नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, राइट, इंडिया के लिए जो पॉलिसीज़ बनी होती हैं, वो सारी चीज़ों को, वो सारी अनाउंसमेंट्स को वो कहाँ कहते हैं, कहाँ पे अनाउंसमेंट्स करते हैं, वो हाउस में करते हैं. और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पोक्स पर्सन है. ओके, प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स को, पार्लियामेंट को समन करते हैं, दैट मीन्स बुलाते हैं, प्ररॉक करते हैं, और लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग, दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग कंडक्ट करते हैं. किसके एडवाइस पे? तो ही टेक्स द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओके, नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, पहले ये जान लो. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? इट इज़ अ ग्रुप और बंच ऑफ मिनिस्टर्स जो कि किसी मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ओके, जैसे कि हमारे इंडिया में है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोकसभा में रहती है, राइट, और उनको कौन लीड करती है? उनको प्राइम मिनिस्टर लीड करती है, और सारे इंपॉर्टेंट फैसले यही सब मिलकर लेते हैं कंट्री का. सो दिस इज द सिनेरियो. नेक्स्ट, टेन्योर. सो मेनली लोकसभा का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा, 5 साल. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑफिस में कब तक रहेंगे? जब तक प्रेसिडेंट उन्हें निकालते नहीं. ओके, जब तक उनका टर्म एक्सपायर नहीं होता, या फिर प्रेसिडेंट नहीं उन्हें डिसमिस करते, या फिर उनका मेजॉरिटी नहीं मतलब मेजॉरिटी रहता है, तब तक वो भी रहते हैं. सो दिस इज अ सिनेरियो. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मिनिस्ट्रियल से समझ में आ रहा होगा कि मिनिस्ट्री की या फिर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. मिनिस्ट्री मतलब एज अ होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पर्टिकुलरली इंडिविजुअल मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो यही है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. इसका दो डायमेंशन है, एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसका मतलब पहले समझ लो. इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं, ओके, इंडिविजुअल तो वो रिस्पॉन्सिबल है ही, प्लस एज अ होल भी वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए. द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा नॉट एट इंडिविजुअल्स अलोन बट कलेक्टिवली ऑल्सो, यानी कि अकेले भी तो इंडिविजुअली भी उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज अ होल भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वेर अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द कैबिनेट, एवरी मिनिस्टर हैज़ टू स्टैंड बाय इट विदाउट हेजिटेशन. अगर कैबिनेट मीटिंग में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई बात छिड़ी और फिर उसका फैसला सुनाया गया, तो हर एक मिनिस्टर, जैसे कि जो भी फैसला निकला, हर एक मिनिस्टर को उस फैसला से अबाइड करना पड़ेगा, या फिर उस फैसले के लिए वो हेजिटेशन शो नहीं कर सकता, बिकॉज पूरा वोट, पूरा प्रोसीजर के बाद वो फैसला लिया गया है. ओके,
और अगर कोई मिनिस्टर एब्सेंट भी हो उस मीटिंग में तो भी उसे कंप्लाई करना पड़ेगा उस डिसीजन से, बिकॉज बहुत लंबे प्रोसेस के बाद वो डिसीजन लिया जाता है, बहुत सारी वोटिंग के बाद वो फाइनल फैसला सुनाया जाता है. सो डेफिनेटली इट्स सिग्निफिकेंट. ये तो रहा आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जो मिनिस्टर्स हैं उनका इंडिविजुअल भी तो कुछ रोल होता है, राइट? सो जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि द मिनिस्टर शैल बी लाइबल टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दर अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़. अगर जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, राइट, कुछ फंक्शनैलिटी के अलावा भी, जैसे कि यहाँ पे आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि उन्होंने कुछ ऐसा अनडिजायरेबल एक्टिविटी उन्होंने किया, तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव करेगा, ना कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. क्लियर? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी पार्लियामेंट में अपना प्रॉपर बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर शो करें. अगर वो अच्छा बिहेवियर शो नहीं करते तो उसके लिए उन्हें रिमूव किया जाएगा. लेकिन एज अ होल पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे रिमूव किया जाएगा, राइट? गड़बड़ी उनकी है या फिर गलती उनकी है. सो दिस इज़ द थिंग, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई होप आपको समझ में आई होगी, इतना काफ़ी आपके लिए. अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो एक बार आप बुक रीड कर लो, वैसे बुक में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है. एंड यस, अगर आपके पास साइड बुक्स हो या फिर गूगल पर आप सर्च भी कर सकते हो, बट इतना इनफ है. ओके, नाउ डिफरेंसेस और डिस्टिंक्शन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, ये आपके सिलेबस में है. सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हर टाइप के मिनिस्टर आते हैं. कैबिनेट भी आता है, डिप्यूटी भी आता है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स. लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें कि सीनियर मेंबर्स हैं. ओके, नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बहुत बड़ा लाइक मिनिस्ट्री हो गया ना, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स आ गए, तो सारे मिनिस्टर तो हर बार मीट नहीं करेंगे, तो वो कभी कभी मिलते हैं. ओके, एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रीक्वेंटली मीट करते हैं, बिकॉज वही अलग अलग एडवाइस, मतलब वही लोग अलग अलग फैसला देते हैं, अलग अलग डिसीजन लेते हैं. ओके, फ्रीक्वेंटली वो लोग मीटिंग्स करते हैं और फिर अलग अलग फैसला, अलग अलग एडवाइस देते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बार बार मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और हर एक मिनिस्टर का अपना अपना फंक्शनैलिटी है. स्टेट मिनिस्टर्स को अपने स्टेट को देखना है, डिप्यूटी मिनिस्टर्स का अलग काम, कैबिनेट का अलग काम. इसीलिए नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट. अब कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि जिसे हम डिस्टिंक्शन में ऐसे शो नहीं कर सकते, तो वो सारी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है. जैसे कि प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स की. ओके, एंड देन द कैबिनेट, इट इज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर हु आर कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस. तो प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की ही इन्फॉर्मेशन और एडवाइस लेते हैं. सो दिस वॉज द कम्प्लीट थिंग अबाउट द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो दीज वर द डिफरेंसेज बिटवीन देम. सो ऐसे 4-5 पॉइंट आपके पास हाथ में है कि आप लिख सको. ओके, एंड यू कैन एलाबोरेट देम एज वेल. सो गाइज, दिस वॉज अ कम्प्लीट थिंग, दिस वॉज अ कम्प्लीट लाइक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर चैप्टर द प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो वीडियो में बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंशन है. एंड येस, आई होप आपको पूरी समराइजेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड इतने पॉइंट्स में आप अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर भी फ्रेम कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल. गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ फॉर मोर सच वीडियोज एंड मोर सच अपडेट्स. थैंक यू. So this was all from my side. We'll be meeting in the next video.